नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। बाढ़ में फंसे बुजुर्ग महिला और बेटे को डीएम ने अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। बिहार में लगातार बाढ़ के बढ़ते प्रभाव ने सभी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है। हालांकि विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मिलकर बाढ़ में परेशान हो रहे लोगों को राहत शिविर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत बीते दिन गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज, एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के दौरान पानी में घिरे परिवार को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के एक इलाके में पानी से घिरी बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को डीएम और एसपी ने लेने के दौरान देखा था, जिसके बाद उन्होंने महिला और उसके बेटे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साथ ही अपने स्कॉट वाली गाड़ी में दोनों को बिठाकर उनके घर मीरगंज छुड़वा दिया है। बिहार समेत चार राज्यों की कोविड 19 से हालत है पस्त। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले चार दिनों में हर रोज 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के चार राज्य कोविड 19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसमें बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आंकड़ों के अनुसार यह चार राज्य आने वाले दिनों में कोविड 19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं, यानी इन राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ मरीजों की संख्या देखने को मिल सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब दूसरे राज्य हॉटस्पॉट बनकर उभरने लगे हैं। बिहार में फिलहाल 14.9 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, जो कि एक महीने पहले डबलिंग रेट करीब 28 दिन था। सुगौली नरकटियागंज रूट पर बंद हुआ ट्रेनों का परिचालन। बिहार में बाढ़ के बढ़ते प्रभाव के कारण अब ट्रेनों भी प्रभावित होने लगी हैं, और यही कारण है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रैक पर पानी चढ़ने का सिलसिला जारी है। सुगौली नरकटियागंज रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी इसी वजह से बंद करवा दिया गया है। रेलवे जंक्शन के अधीक्षक दिलीप सिंह ने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए बताया है कि संभावित बाढ़ की परेशानियों को देखते हुए और जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार की रात से ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण पूर्वी चंपारण में फिलहाल बाढ़ की परेशानी बढ़ा रखी है। बूढ़ी गंडक नदी और के रौद्र रूप सुगौली प्रखंड में देखने को मिल रहा है। पिछले तीन दिनों में यहां पर पानी लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेनों के परिचालन को बंद करवा दिया है। रेलवे ने ट्रेनों के रूट के परिचालन को बंद करने के बाद ट्रेनों का परिचालन रूट बदलकर करवाया जा रहा है। उत्तर बिहार और नेपाल में आने वाले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना। बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार मानसून की स्थिति राज्य में सामान्य से 50% ज्यादा देखने को मिल रही है। एक दो जिलों को छोड़कर पूरे सूबे में बारिश की स्थिति सामान्य से काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं 27 और 28 जुलाई को भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में भारी बारिश की संभावना बनते दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अगले दो तीन दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी सतर्कता जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग एक दशक के बाद इस तरह की बारिश हुई है। इससे पहले 2009 में इसी प्रकार की बारिश देखने को मिली थी, जबकि पश्चिम बंगाल खाड़ी क्षेत्र में इस बार लो प्रेशर एरिया भी कम बना है। इसके बावजूद बारिश की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। चार और पांच दिन के नवजात भी हो रहे कोविड 19 प्रभावित। पटना एम्स की तरफ से आई रिपोर्ट के अनुसार चार और पांच दिन के नवजात भी कोविड 19 प्रभावित देखे जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दो नवजात शिशु में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है। इतना ही नहीं, 24 अन्य संक्रमितों की भर्ती भी करवाई गई है, जिसमें से 17 पटना के है। नवजात शिशु की बात करें तो इसमें चार दिन का एक लड़का और पांच दिन की एक लड़की है। इसके अलावा पटना के अलग अलग मोहल्ले के 15 और संक्रमित फिलहाल भर्ती करवाए गए हैं, जिसमें पाटलिपुत्र कॉलोनी, एसके पुरी, बोरिंग रोड, जकनपुर, पत्थर की मस्जिद, राजेंद्र नगर, मीठापुर, जलालपुर आदि मोहल्ले के लोगों का नाम शामिल है। वहीं पटना एम्स के कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि रविवार को अस्पताल में पटना के दो समेत कुल 9 लोगों की जान चली गई है। इनमें पटना के जकनपुर और बोरिंग रोड के 2 व्यक्ति का नाम शामिल है। बाढ़ की वजह से 30 लाख मछली उत्पादक हुए प्रभावित। बिहार में पिछले एक महीने से निरंतर हो रही बारिश के कारण और नेपाल की तरफ से छोड़े जा रहे पानी की वजह से बिहार के कई जिले फिलहाल बाढ़ के पानी में लबालब है। वहीं इसकी वजह से बाढ़ और उससे उत्पन्न जल प्लावन के कारण उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में मछली पालन उद्योग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से मछलियां बाढ़ में बह जा रही हैं। इसकी वजह से 4,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में मछली पालन उद्योग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो राज्य में करीब 30 लाख मछली पालन परिवार इस बार से और जल पलावन से प्रभावित हुए हैं। अब तक करीब 20 लाख टन मछलियों के नुकसान होने का आकलन जताया गया है। बिहार में बढ़ते संक्रमण के चलते 500 बेड का कोविड 19 अस्पताल जल्द ही बनकर होगा तैयार। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए राजधानी पटना में 15 दिनों के अंदर 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। इसको लेकर रविवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक उच्च स्तरीय टीम ने वेटनरी कॉलेज परिसर और बेहटा का निरीक्षण किया था। वहीं जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जगह का चयन होने के बाद 15 दिनों के अंदर सेना 500 बेड का अस्पताल बनाकर तैयार कर देगी। डीआरडीओ के दो सदस्यीय टीम ने पहले वेटनरी कॉलेज का मुआयना भी किया है। इसके बाद अस्पताल
उपचार के लिए दो जगह का निरीक्षण किया जा चुका है। डीआरडीओ की टीम के मुहर लगते ही अस्पताल के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कोविड-19 के इस माहौल में बिहार में राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीते दिन कोविड-19 के संक्रमण और विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अर्धविस्मृत अतीत का संताप चलता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और गणित का कमजोर विद्यार्थी भी करार दिया है। उन्होंने जदयू और राजद की तुलना भी की है, साथ ही चुनावी मैदान में मिले वोट का जिक्र भी किया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते आए हैं। जदयू की तरफ से भी हर मौके पर जवाब तलब किया गया है। बिहार के सहकारी बैंकों में लोन लेने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। अगर लोन खाता एनपीए हो गया है तो जल्द ही उनको राहत मिलने वाली है। सरकारी बैंक ऐसे खातों को बंद करने के लिए जल्द ही एक मुश्त भुगतान योजना ला सकती है। सहकारी बैंकों ने ओटीएस योजना अपनी तरफ से पारित करवा दिया है, लेकिन कोविड-19 को लेकर अभी इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की फसल कटने पर नवंबर या दिसंबर में यह योजना लागू हो सकती है। इस योजना से उन्हें लाभ होगा जो समय से पैसे का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा केसीसी लेने वाले किसानों की संख्या है। बैंक ने लोन का 70% से ज्यादा पूरा शुल्क माफ करने की योजना भी बनाई है। इसका सेटलमेंट आधार अवधि पर तय किया जाएगा। ऐसे खाते जो 6 साल से लॉस एसेट घोषित कर दिए हैं, उनको इस योजना से लाभ मिल सकता है। रिम्स के कैंटीन में 3 कर्मचारी निकले कोविड-19 प्रभावित। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिम्स में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, मगर इसके बावजूद रिम्स में प्रभावितों की संख्या को बढ़ता देखकर लालू प्रसाद यादव की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में जारी किए गए जानकारी के अनुसार रिम्स के कैंटीन में 3 लोग कोविड-19 प्रभावित पाए गए हैं, जिसके बाद अब डॉक्टर और नर्स पर कोविड-19 संक्रमण की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि कोविड-19 में सेवा दे रहे डॉक्टर नर्स अस्पताल कर्मी को यहीं से खाना मिलता है। हालांकि संक्रमण का पता चलने के बाद कैंटीन को फिलहाल सील कर दिया गया है, साथ ही डॉक्टरों के खाने की व्यवस्था दूसरी जगह पर कर दी गई है, क्योंकि अब रिम्स के कोने कोने में कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बीते दिन ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए जनादेश चीरहरण की 4वीं वर्षगांठ है। आशा है कि उन्होंने जिस उद्देश्य के जनादेश का अपमान कर 12 करोड़ बिहारियों के साथ छल और विश्वासघात किया था, उसका लक्ष्य प्राप्ति हो गई होगी। 130 दिन बाद घर से बाहर निकलकर आज इस वर्षगांठ पर तो जश्न मनाइए। बिहार में बाढ़ की वजह से 27 लोगों की गई जान। बिहार में कोविड-19 और आकाशीय बिजली के बाद अब बाढ़ ने लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा रखी है। रविवार को बिहार में बाढ़ की वजह से 27 लोगों की जान चली गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 8, पूर्वी चंपारण के 8, दरभंगा के 4, समस्तीपुर के 4 और मधुबनी जिले के 3 लोगों का नाम शामिल है। जिसमें मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों की जान गई है, उनमें से कई बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, क्योंकि बीते लंबे समय से लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई जिले बाढ़ की चपेट में बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश भी कर रही है। एपीजे अब्दुल कलाम की है आज पुण्यतिथि। मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। कलाम ने अपने जीवन काल में कई सारे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया है। उनका सफर काफी मेहनत भरा रहा है। देश के महान व्यक्ति राजनेता रहे अब्दुल कलाम का पूरा देश आज याद कर रहा है। आज लोगों से लेकर कई नामी हस्तियों ने कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसके लिए तहत गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके लिखा है कि बुद्धि, ज्ञान और सरलता के प्रतीक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। विज्ञान से लेकर राजनीति तक कई क्षेत्रों में आपने छाप छोड़ी है। ज्ञान के लिए उनके अथक हो जाते हैं और निर्भर भारत के विचार को प्रेरित करने के लिए काफी है। बीते 24 घंटे में पूरे भारत में दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 49,931 नए मामलों की पुष्टि की गई है बीते 24 घंटे में। वहीं 708 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 14,35,453 पर पहुंच गई है, जिसमें से फिलहाल 4,50,114 मामले पॉजिटिव है। वहीं 9,17,568 मामले ठीक होकर वापस लौट चुके हैं और अब तक 32,771 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रिकवरी रेट भारत में 63.92% पर पहुंच गई है। वहीं जान गंवाने वालों की संख्या 3.45% है, जो कि बाकी देश के मुकाबले काफी कम है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आपके अनुसार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।